सुने ना, कल एकदम टाइम पे आना पड़ेगा, आज हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। जो है जी, मैं तो टाइम पे ही निकलती हूँ, वो मम्मी लेट कर देती है। रुको, अभी तुम्हारी मम्मी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, कल से आऊंगी टाइम पे। हेलो सुनैना। हेलो शर्वरी दीदी। हो गए डांस क्लासेस? मैडम के नखरे ही अलग होते हैं, डांस कम और बातें ज्यादा करती हैं। शर्वरी दीदी, मैंने ये सीखा। ये खूब भालो। क्या खालो? बहुत अच्छा है ये स्टेप, पिछले एक महीने से इसको सिखा रही हूँ, आज जाके सीखी है। हेलो जोया जी। अरे चाचा जी, आप कब आए? आज ही आया हूँ। हेलो सुनैना, मैं आती हूँ। ए सुनैना। सुनैना, चाचा जी तुमको पुकार रहे हैं। अब मम्मी ने कहा है अनजान शख्स से बात नहीं करने का। तेरे शैतान बच्चे, कुछ ज्यादा ही नटखट है। आपसे तो कमी है जी। कुछ नहीं कुछ नहीं। कैसी रही आपकी दिवाली? बहुत अच्छी थी, पर सोसाइटी वालों के बिना थोड़ी अधूरी थी। क्यों गए आप गाँव? एक जरूरी काम से जाना पड़ा, बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। चाचा जी के चेहरे का ग्लो देख रही हो? जब से गांव से आए हैं कुछ अजीब ही लग रहे हैं। और पता है दोया, हम नीचे मिले थे तब बोल रहे थे आप सबके लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज लाया है। क्या बात कर रही हो? अब वो सरप्राइज सरप्राइज क्या है पता नहीं। चाचा जी, क्या है सरप्राइज आपका? सरप्राइज वैसे तो बहुत बड़ा है, अभी आप दोनों को कैसे बताओ। बोलिए बोलिए। अभी मुझे शर्म आती है। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो इतना ज्यादा शर्माते हैं। आपसे कोई मतलब नहीं अब? हाँ? मैं ये कह रहा था, पता नहीं इनको क्या हो गया है। मैं तुमको बता रही हूँ, सोसाइटी में चाची आने वाली है। नाना, वैसे वो वॉचमैन भी यही कह रहे थे, तुम भी यही कह रही हो, क्या पता यही निकले। हमारी सोसाइटी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। शीला बैठना। यस भाभी, बताइए। आज मैं तुमको बताऊंगी चाचा जी का फ्लैशबैक। ओहो भाभी, आप तो एकदम फिल्म जैसा मुझे बता रही हो, मुझे काफी एक्साइटमेंट हो रही है, बताइए बताइए। वैसे तो मुझे उनकी जो दो पहली शादी हुई उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर आखिरी वाली शादी है ना उसके बारे में पता है। सासू माँ ने मुझे बताया था, तब मैं भी शायद छोटी होंगी क्योंकि ये साथ में जाते थे। तब की कहानी है, सासू माँ मैं जब शादी करके आई तब ये बार बार चाय पीने आते थे, तो इससे मैंने उनको पूछा कि इनकी फैमिली क्या है कैसे। सासू माँ ने मुझे बताया था, मैं तुमको बता रही हूँ ठीक है। अच्छा, उनकी तीसरी शादी को एक साल हो गया था, और एक साल होने के बाद घर में बर्तन से बर्तन टकराने लगे। फेंको फेंको, सारे बर्तन घर के फेंक दो, जा रहा हूँ मैं प्रकाश के पास, वही पे खाऊंगा। उनकी लड़ाई बढ़ती गई। चाचा जी ससुर जी के अच्छे दोस्त थे तो ससुर जी के पास आए। सुनिए तो, मैं क्या बोलती हूँ, अभी अगली मंथ हमारी एनिवर्सरी आ रही है, तो प्रवीण को हम गांव में छोड़ के कहीं बाहर घूमने चले। ललिता, मुझे इतना टाइम नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे क्या आप, मेरी तो बहुत इच्छा होती है बाहर घूमने की, आपकी वजह से मैं चुप बैठती हूँ। इस समर हम जाने वाले हैं बाहर घूमने। तब का तब देख लेंगे, गर्मियों में अभी टाइम है। क्या तब का तब देखेंगे, मैं आपका कुछ नहीं सुनने वाली, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और जब आपने मुझे प्रपोज किया था तब बोला था अमेरिका लेके जाऊंगा, कब चाहे हो मुझे आप अमेरिका लेके? ललिता आगे देखते हैं, मुझे अभी टाइम नहीं है। आप बस देखती ही रही है, मुझे तो ऐसा लगता है ये इंतजार कहीं मेरे बुढ़ापे तक ना चला जाए। बूढ़ी हो जाऊंगी फिर भी आप मुझे अमेरिका नहीं लेके जाएंगे। हे भगवान, कहीं ये सच ना हो जाए, कोई आ गया। ओफो, क्या मेरा दोस्त घर पे है? हाँ है। सुनिए तो, रोज का दोस्त आया है आपका। क्या हुआ रे तुझे, पूरा फिर खराब कर दिया इस औरत ने मेरा, आज मैं घर नहीं जाऊंगा। फिर से एक बार बीवी से झगड़ा, तंग आ गया हूँ मैं इसके साथ रह रह के। ये देख, इस बार तेरी शादी बहुत मुश्किल से हुई है, कम से कम ये तो ठीक से निभा ले। साल के 365 दिन हो गए हमारी शादी को, फिर भी मुझे सुख शांति कुछ मिला ही नहीं। बार बार इसके मायके वाले आ जाते, मुझे लगा पहले एक दो महीने ठीक है, मैंने कहा आते हैं तुम्हारे मायके वाले, बाद में तो हर रोज ही आने लगे मायके वाले। अभी क्या करूं मैं इनका, आते तो आते हैं और इतना सामान भर भर के लेके जाते, कैसे लगता है ये? ये देख, जरा शांति से ले,
आने दे मायके वाले आते हैं तो क्या तकलीफ है। क्या शांति से करूँ, मैं कुछ शांति से नहीं करने वाला, आज फैसला होना ही चाहिए। एक तो ये रहेगी यहाँ पे या फिर इसके मायके वाले मेरे घर कभी नहीं आएंगे। तेरी इसी हरकतों की वजह से तेरी शादी टिकती नहीं, पहले भी दो भाभियों को तूने ऐसे ही भगा दिया। और उनकी तीसरी बीवी ससमा की अच्छी दोस्त थी तो वो ससमा के पास आए। आई रे आओ ना ललिता। क्या हो गया तुमको, ऐसी रो रही हो, अंदर तो आओ। आ गई देखो आ गई, ये तो मेरे पीछे पड़ी ही है, इसके मायके वाले भी मेरे पीछे पड़े, मेरा पूरा बैंक अकाउंट जीरो कर दिया है। अरे आते हो आप लोग ठीक है, भर भर के लेके जाने की क्या जरूरत है। तुम्हारे पति भी तुम्हारे आगे ही आ गए थे, कोई प्रॉब्लम हुई क्या। ललिता देखो ना, इस आदमी को पीछे पड़ गया है मेरे। अभी कल मेरे मायके वाले आए थे तो थोड़ा खर्चा हो गया, तो वो खर्चा मुझे बार बार निकाल के दे रहे, इतना खर्चा यहाँ पे हुआ, उतना खर्चा यहाँ पे हुआ। अबे मायके वाले आए हैं तो कुछ ना कुछ तो खर्चा हो गए। मेरी बहन भी आई थी, उसको साड़ी, माँ को साड़ी, मेरे पापा को कपड़े, हो गए खर्चे। घर की बातें ऐसे बाहर लेके आते हो, शर्म नहीं आती। हाँ अच्छा नहीं लगता, ऐसी बातें घर में ही रहनी चाहिए। ललिता मैं सच में तंग आ गई हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने मुझे रहने दो कुंवारा, मैं कुंवारा ही ठीक हूँ, पैसे तो बचेंगे। क्या बोल रहे, पूरे मायके वाले आके पैसे लूट के जाते हैं। देखो देखो ये निकम्मा देखो, अभी दिखती हो। क्या तकलीफ है आपको मेरे मायके वालों से, हर बार मैं देखती हूँ मेरे मायके वाले जब घर में आते हैं तब आपका कुछ कुछ चलता रहता है। नहीं वो आके बैठते हैं क्या, दो दिन में चले जाते हैं, फिर भी आपकी तकलीफ। बात नहीं करता मैं तुमसे। पायल शांत हो जा पायल, मैं घर की लाडली बेटी हूँ और माँ पापा की अकेली हूँ, इसलिए आते हैं। तो क्या हुआ, ऐसे पैसे लूटने होते हैं उनको अपने घर नहीं, मेरे घर पे पड़े होते हैं सब। इसका भाई तो 24 घंटे होता है। देखो देखो इस आदमी को। माँ क्या हुआ है। प्रवीण बेटा चला जा तू यहाँ से। ये देखिए मेरे बेटे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, आप दोनों अभी इसी वक्त हमारे घर से निकल जाइए। माफ करना भाई साहब। ये देखो हम दोनों साथ में रहे मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके वाले फ्री में आने वाले हो तो मुझे तकलीफ है, तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। देखो देखो मुंह टेढ़ा कर रहे बेशरम आदमी। सेम टू यू। ठीक है जा रही हूँ मायके, नहीं आऊंगी वापस। यही है उनकी प्यार कहानी, अभी पहली दो वालियों के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। सो सैड ना भाभी बेचारे। कोई बेचारा नहीं होता, ये देखो शीला ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, गलती उनकी भी होगी पर चुटकी बजती है, मम्मी कहती है ऐसा। और कुछ सुनना है। ओहो शुरू हो गई ननंद भाभी की महफिल। ए बहू ये बताने की क्या जरूरत है मेरी बेटी को, तेरी वजह से शर्वरी का इतना बड़ा झगड़ा हो गया था सोसाइटी में, याद रख। मम्मी भाभी की कोई गलती नहीं है, गलती तो शर्वरी की थी, उसने स्टार्ट किया था सारा झगड़ा। ये बेटा अभी जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर फिर से मत आ तू। तू क्या दांत निकल रही है, जा चाय कर सबके लिए।